श्री राम श्री बनकर घर से निकले, श्री राम बनकर घर से निकले, प्रभु राम बनकर लौटे। कितना साल लगा? 14 साल। ये तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, 6 महीना त्याग और तपस्या कर लो, आईएएस साल भर कर लो, एमएलए 5 साल कर लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 साल कर लो, प्रधानमंत्री और 14 साल कर लिए भगवान। अब ये सूत्र श्री राम को पता है, तो इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को आश्रम में रखा, और इनके बच्चे कौन है? लवकुश, भगवान को बांध देते हैं। ये मैगी खाने वाले बच्चे नहीं है, ये कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे नहीं है, हनुमान जी को बांध दिया, भरत जी को बांध दिया, सबको बांध दिया। इसलिए श्री राम भारतीय संस्कृति के महानायक हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि त्याग और तपस्या श्रेष्ठता का सिद्धांत है। आज आप अगर आपके घर में शंख हो तो आप उठाना और उसमें फूंकने की कोशिश करना, फूंकने से शंख नहीं बचता, आप गौर करिएगा। अगर आपके घर में शंख है तो आज आप शंख उठाइए, नहीं भी है तो खरीद के लाइए, बड़ा बड़ा चमत्कारिक चीज है शंख। आपको पता है आपकी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो फूंकने से नहीं बजता। और शंख जो है मोलुसस, जो स्पाइनलेस जीव होते हैं वो उसमें होते हैं। शंख का सीधा संबंध मेरुदंड से है, स्पाइन से है। आप कोशिश करिए फूंक के बजाने की, फूंकते रहिए, नहीं बजेगा। शंख जो है आंतरिक शक्ति से बजता है, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पहली बार में कोई शंख नहीं बजा सकता। पान के दुकान है जिन्होंने अपने दुकान में टीवी लगा रखी है, उस पर एड चलता रहता है, तंबाकू से कैंसर होता है, और पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे, वहीं खड़े होकर सिगरेट जलाते हैं। क्यों? शिक्षित हैं, दीक्षित नहीं है। विज्ञान बाहर का खेल है, ये सब कुछ बाहर के बारे में बताती है, बाहर ये सब कुछ अंदर के बारे में बताता है। दोनों का रास्ता एकदम विपरीत, एकदम। इसलिए अब वो समय आ गया है, एकदम आ गया है। अगर समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को बचाना है तो अब शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित भी होना पड़ेगा। फिजिक्स के साथ साथ मेटाफिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। नियम अलग हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रयास तो करिए। एक कदम भी अगर आपने कायदे से रख लिया तो आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा।